सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त दिए जा रहे चावलों की कालाबाजारी की सूचना पर पूर्ति निरीक्षक और एसडीएम सिकंदरा राव ने घर घर जाकर राशन कार्ड धारकों को मिले मुफ्त चावल को चेक करते हुए एक टेम्पो से 60 बोरे चावल के बरामद करते हुए दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें, राशन के चावल की हो रही कालाबाजारी की सूचना पर एसडीएम सिकंदरा राव विजय शर्मा और पूर्ति निरीक्षक सुमन ने जिले के कस्बा हसायन में एक दुकान पर छापा मार कार्रवाई करते हुए एक दुकान से चावल के 60 बोरों से लदे एक टेम्पो को पकड़े जाने की बाद एसडीएम की देखरेख में खाद्य रक्षक ने राशन के चावल के संबंध में घर घर जाकर राशन कार्ड धारकों से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि बरामद चावल वीरपाल नाम के व्यक्ति का है, जिसने बताया था कि चावल उसने कार्ड धारकों से खरीदा है। जांच के बाद पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि वीरपाल की यह बात सही नहीं पाई गई। एसडीएम ने बताया है कि वीरपाल पर कारोबार के लिए लाइसेंस नहीं है, समन शुल्क आरोपित किया गया है। मतलब क्या कार्रवाई की है सर? समन शुल्क आरोपित किया गया था, इन्होंने गेहूँ क्रय किया है लोगों से, इनके पास लाइसेंस नहीं है, समन शुल्क आरोपित किया गया है। उनसे कह दिया गया है कि मंडी आकर वहाँ से लाइसेंस अपना जारी कराएं, उसके बाद तो यहाँ मैक्स में जो है 60 बोरों में चावल है, प्लास्टिक के बोरे हैं। तो ये वीरपाल जिसका ये चावल था, उसने मुझे बताया कि मैंने ये कार्ड धारकों से खरीदा है, गांव से आसपास के गांव थे, भरतपुर मथुरापुर यहाँ से मैं ये लोग आते हैं, 5-5, 10-10 किलो मुझे 15-16 के रेट में बेच जाते हैं। तो मैं भी सभी गाँव में घूम के सभी का वेरीफिकेशन करके आई हूँ, और किसी भी कार्ड धारक ने ये नहीं बताया कि हमने बेचा। तब कह रहे हैं कि हम कोई कार्ड, उन्होंने चावल दिखाया है वीरों के पास रखा हुआ। तो अभी तो यही है, अब इनकी सुपुर्दगी में देके जा रहे हैं, फिर आगे कार्रवाई सर के अनुसार होगी, जैसा भी सर बताएंगे।